या अल्लाह पाक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बहू साथ खैरियत के घर आ गई, उस पे कोई आफत ना आने देना। और जो दिन मैंने देखे वो उसे कभी ना दिखाना अल्लाह पाक, उसको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना। आमीन। उसके लिए तो दुआ मांग ली, लेकिन तुम्हारे लिए दुआ मांगने वाला कोई नहीं। मिसा, मैंने कुछ नहीं किया मिसा। कुछ करने के काबिल अब रहो कि भी नहीं मिसा। इतनी जरूरत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। अगर ये हाथ बहुत साल पहले किसी और ने पकड़ा होता तो मुझे आज आपका हाथ पकड़ना ना पड़ता। बस बस मत करो ऐसा, तुम मुझे जानते नहीं। इतना जरूर जानती हूँ कि औरत पे हाथ उठाने वाला शख्स मर्द नहीं हो सकता। अपनी जुबान काबू में रखो वरना खींच लूंगा। डोमेस्टिक वायलेंस एक जुर्म है, अगर आप अभी और इसी वक्त यहां से नहीं गए तो मुझे मजबूरन पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सब सुन, क्या कर दिया तुमने, क्यों किया? अम्मी, आज जो हुआ है वो ठीक हुआ है। इस घर में आज से पहले जो होता आ रहा है वो सब गलत था। वो चुप नहीं बैठेंगे। तो अम्मी हम भी चुप नहीं बैठेंगे। फिकर क्यों करती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं होगा, ठीक नहीं होगा। पता नहीं क्या करेंगे, वो मीर साहब है तुम जानती नहीं हो। पता नहीं क्या करेंगे मीर साहब, तो जान ले लेंगे, जान ले लेंगे। अम्मी 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 क्या हो गया है, अम्मी सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, तुम नहीं जानते मेरे हिसाब को, तुम नहीं जानते। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? कहो तो टैबलेट्स ला के दूं, शायद नींद आ जाए। नींद तो तुम्हारी भी बहुत जल्द हराम होने वाली है, तुम जानती नहीं हो कि मैं कौन। बस बस बस, तुम्हारी ये बातें ऑलरेडी मैं सुन चुकी हूँ और तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों ने अपनी बारी खेल ली है और अब मेरी बारी है, और तुम्हारे पास अब चुप रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। और एक और बात, मुझे ये तो नहीं पता कि तुम्हारा नवीन के साथ क्या रिलेशन है, लेकिन जिस दिन मुझे पता चल गया कि तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है, मैं उस दिन धमकी नहीं दूंगी, धक्के दे के घर से निकालूंगी। सर, ये तो 1 लाख रुपए का चेक है,
आपसे बात तो 2.5 लाख रुपए पर मंथ सैलरी की हुई थी ना, और पोस्ट भी सीनियर मैनेजर की नहीं है। काम भी तो आधा किया है तुमने। क्या मतलब है सर? मतलब ये कि वो लड़की मेरे घर मान चुकी है। गनीमत जानो 1 लाख सैलरी दे रहा हूं, वरना तुम तो ये भी डिजर्व नहीं करती। एक्सक्यूज मी, हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट? आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह मुझसे बात करें। और वैसे भी मैंने अपने करियर के लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं और आगे भी नहीं घबराऊंगी। गरीब आदमी के पास सिवाय कुर्बानी के और होता ही क्या? माइंड इट, मैं अपने ऑफिस में अपने सिवा किसी की भी ऊंची आवाज बर्दाश्त नहीं करता। ये भी हो सकता है कि तुम इस ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकलो लेकिन अपने घर ना पहुंच सको। इसलिए जो मिल रहा है उसे गनीमत जान, और 2-3 महीने ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी सैलरी तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। यू नाउ आप तो बहुत जल्दी अपनी बातों से फिर गए। अपने वादे भी आपको याद नहीं। पता है मैंने जिंदगी में ना बहुत से घटिया इंसान देखे, लेकिन आपकी कैटेगरी कुछ और ही है। और क्यों ना हो, जो इंसान अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकता है तो कुछ भी कर सकता है। Should have thought about this. और एक और बात, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो सबसे पहले उमेर को आपका असल चेहरा मैं खुद दिखाऊंगी। So good luck. अरे मैंने आपको लोकेशन भेजी तो है, वही खड़ी हुई हूं मैं, मुझे तो नजर नहीं आ रहे आप। जल्दी आए जगह पे। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी। उठाओ इसे, इडियट। Congratulations for the job. मेरा पीछा कर रहे हो? तमीज से, stay in your limits. अच्छा किया जो मैंने तुम्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। जब तक कोई नरेंद्र का साथ नहीं। इस टिपिकल मिडिल क्लास आदमी को जो छोड़ने की वजह थी, आज उसके शोहर की कंपनी में ही तुम जॉब कर रही हो, है ना? काफी अजीब सी बात। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? अजीब सी बात। Now get lost. हाँ आ गए आप।